बेटा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी। और कल हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर देखा था, मतलब इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का कि हम क्या-क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए आज फर्स्ट टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं जो कि आपका वर्क। ठीक है, तो वर्क मीन्स क्या है ना? वर्क जैसे कि कोई बॉक्स है ना, उसमें मैंने कोई फोर्स लगाया। ठीक है, सपोज करें यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया, आपको टेबल पे रखा हुआ था। इस बॉक्स पर मैंने एक फोर्स लगाया बेटा, ठीक है, और ये बॉक्स मोशन में आया मतलब डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, डिस्प्लेस हुआ, यही क्या है वर्क। ठीक है, इसी ही क्या बोलते हैं वर्क। ठीक है, आपने कोई फोर्स लगाया, आपके द्वारा कुछ फोर्स लगा है और फोर्स लगा है तो मोशन हुआ है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा, वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है, लाइन लिख रखी है, क्या लिखा है कि वर्क इज डन। वर्क कब डन होता है? आप वर्क कब कहेंगे किसी भी काम, किसी भी चीज को वर्क कब कहेंगे? वेल, जब अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन, ऐसा फोर्स जिसमें क्या प्रोड्यूस हो, मोशन, है ना। ठीक है, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैंने फोर्स लगाया और ये बॉक्स जो है मोशन में आ गया, है ना, मोशन में आ गया, तो इसे क्या, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका वर्क। ठीक है, इतना क्लियर है? वर्क समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड ऑन टू फैक्टर। बेटा जो वर्क है, हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ, हम किसी फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि जो वर्क है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो दो चीजें क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड मतलब आपने फोर्स कितना अप्लाई किया है, कुछ न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया होगा आपने, कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और सेकेंड है बेटा डिस्प्लेसमेंट थ्रू व्हिच द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो मोशन में आया, मोशन मतलब जगह जो है उसकी प्लेस क्या हुई है, चेंज हुई है, प्लेस चेंज हुई है, मतलब उसे क्या आप बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका जो मोशन है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स लगाया आपने और फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा वो भी शो करता है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी आएगी। मतलब मैंने अगर मान लीजिए इस बॉक्स को इस तरफ फोर्स लगाया टुवर्ड राइट, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा किस तरफ होगा, उधर ही होगा ना, टुवर्ड राइट में ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ और बॉक्स ऐसा आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, जहां पर जिस तरफ आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी, इसे ही बोलते हैं वर्क। ठीक है, वर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस किस पे बेटा, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर आपको वर्क को डिफाइन करना हो तो क्या क्या लिखेंगे कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। ठीक है, वर्क डिपेंड ऑन टू फैक्टर, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, अभी हमने बोला कि क्या है वर्क जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दो चीजें क्या है, देखिए यहाँ पे लिखती हूँ, वर्क को हम W से डिनोट करेंगे, और दो चीजें कौन कौन सी, एक है आपका फोर्स, फोर्स और एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते थे, S से, एस से, एस से, डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट होता था, S से। ठीक है, एस से। ये वाला रुकिए, पहले हम इसका हम लिखते हैं वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। क्लियर है बेटा इतना? क्लियर है सभी को? ठीक है, अमीश आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लिया, आप प्लस, आपने प्लस क्यों नहीं लिया, आपने माइनस क्यों नहीं लिया, आपने डिवाइड क्यों नहीं लिया, मल्टीप्लाई ही क्यों लिया, प्रोडक्ट ही क्यों करेंगे? तो देखिए, प्रोडक्ट ही किससे करेंगे कि मान लीजिए चलिए मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया, ठीक
ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्या आ गया बेटा प्लस, ठीक है, तो प्लस मतलब क्या, अगर मान लीजिए एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मूव ही नहीं हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको मूव ही नहीं हुआ, मोशन ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया एस, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एस। लेकिन मैंने अभी आपको वर्क क्या समझाया, वर्क पर दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पे भी और एक डिस्प्लेसमेंट पे भी, डिस्प्लेसमेंट तो पे भी तो फोर्स ही आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, तो ये वर्क नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, मल्टीप्लाई नहीं रहा, सॉरी प्लस नहीं लेंगे, सेम माइनस नहीं लेंगे, डिवाइड डिवाइड इसलिए नहीं लेंगे कि डिवाइड में कभी कभी जो वैल्यू आती है वो इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है, तो इसलिए डिवाइड नहीं लेंगे। अब यहाँ क्या लेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, देखो कैसे, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका फोर्स भी जीरो, और फोर्स भी जीरो मतलब वर्क भी जीरो, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो फोर्स भी जीरो हो गया और उसका वर्क भी जीरो हो गया। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आ रहा, ठीक है, बात हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा आपको मतलब ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वर्क कब होगा, जब किसी चीज पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद आपको उसमें मोशन दिखाई दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ही काम हुआ है। क्लियर है, समझ में आने का, ठीक है, अच्छा अब ऐसा यूनिट में मुझे बताएगा वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, एनिमल, किसी को पता है वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, मैम जूल, जूल, ठीक है बेटा, देखिए जूल होती है वर्क की ऐसा यूनिट। अब देखिए कैसे है ना, यहाँ पर फोर्स की यूनिट होगी बेटा आपकी एन न्यूटन, और आपका एस क्या है, मीटर, प्रतिभा मीटर, यूनिट ये है। लेकिन जो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिनका वर्क में कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने वर्क में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, हमने जो पुराने भी जो ऐसा यूनिट देखी है तो उसमें भी देखा था कि बहुत सारे साइंटिस्टों को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम की यूनिट रख ली जाती है ना, तो वैसे ही जो जूल जी थे उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए वर्क की ऐसा यूनिट क्या रख दी गई, जूल, जूल। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, जूल, हाँ, जैसे रिनोट करेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गई बेटा कि वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। अच्छा, आप कभी कभी आपको वन या टू मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप डिफाइन करें कि वन जूल मीन्स क्या, वन जूल को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वन जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, वन जूल इक्वल टू वन एन इंटू वन एन, कुछ नहीं है, वर्क वर्क क्या है, जूल है, यह हटा दीजिए, चलिए वर्क क्या है आपका, जूल, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा, फोर्स इंटू वर इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या लगती एन, ठीक है, न्यूटन, एस की यूनिट क्या, मतलब एस मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, मीटर, बस इनके आगे क्या लगा देना है आपको, वर, वर, इसका मतलब होगा कि बेटा अगर वन जूल का काम हुआ है, वन जूल वर्क हुआ है, तो उसमें कितना फोर्स लगा है, वन न्यूटन का फोर्स लगा है, और वन न्यूटन फोर्स लगने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वन मीटर। समझ में आई बात कि अगर वन जूल का वर्क हुआ है, वन जूल का काम हुआ है, तो उसमें फोर्स कितना लगा है, वन न्यूटन, और वन न्यूटन फोर्स लगा है तो वो मूव मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उस ऑब्जेक्ट में, वन मीटर। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, डिफाइन करने के लिए कि आप वन जूल डिफाइन करिए वन या टू मार्क्स के, तो ये याद रखिएगा। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है, तो आज हम बस वर्क देखने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम कल वाले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है, तो इतने में अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आई होप आज कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, आज तो सिर्फ
जरा सा ही एक्सप्लेन किया गया आपको और मुझे लगता है वर्क अब सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यस मिस। ओके यस मैम।